एक जंगल में हाथियों का एक झुंड रहा करता था। उसका राजा अप्पू बहुत ही समझदार और ताकतवर हाथी था। वे सभी हाथी बहुत खुशी खुशी उसी जंगल में रहते थे। हाथियों का सरदार अप्पू हमेशा अपने हाथियों को अपने छोटे जानवरों की देखभाल करने के लिए कहा करता था। भाइयों, हम लोग बहुत विशाल हैं। हमें हमेशा अपने से छोटे जानवरों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उन्हें हमारी वजह से कोई नुकसान न हो। जी महाराज, हम इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे। हाथियों को उस जंगल में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक समय ऐसा आया कि लगातार 2 साल तक बारिश न होने के कारण जंगल में सूखा पड़ गया और सभी जानवर जंगल छोड़कर जाने लगे। हाथी भूख और प्यास से परेशान होकर अपने राजा अप्पू के पास गए। अप्पू महाराज, लगता है अब हमें भी जंगल से कहीं और चले जाना चाहिए, वरना हम सब भी यहाँ तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अप्पू हाथी ने अपनी सूंड उठाकर उन सब से कहा, तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा तालाब पानी से भरा हुआ है। वहाँ के रास्ते में खाने के लिए काफी फलदार पेड़ भी हैं। हम लोग रोज वहाँ जाकर पानी पीकर और खाना खाकर अपने जंगल लौट आया करेंगे। सभी हाथियों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और खुशी खुशी उस तालाब की ओर चल पड़े। उस तालाब के रास्ते में बहुत सारे खरगोशों की बस्तियाँ थी। हाथियों के वहाँ से जाने के कारण खरगोशों की बस्तियों में खलबली मच गई। अरे बचाओ बचाओ, यहाँ क्या है? अरे यहाँ हाथी कहाँ से आ गए? अरे बचाओ, भागो भागो। सभी खरगोश इधर उधर भागने लगे। हाथियों के जाने के कारण कई खरगोश मारे गए और काफी घायल हो गए। शाम को सभी खरगोशों ने एक जगह मिलकर हाथियों से बचने का उपाय खोजने के लिए बैठक बुलाई। खरगोशों के सरदार ने हताश होकर सबसे कहा, दोस्तों लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वहाँ बैठे एक समझदार खरगोश ने कहा, सरदार फिक्र ना करें, मैंने इसका उपाय ढूंढ लिया है। मैं अभी हाथियों के सरदार के पास जा रहा हूँ। बेटा जरा सावधान रहना। प्रणाम महाराज। यहाँ क्यों आए हो मिक्कू? महाराज, मुझे चंद्र देवता ने उनका संदेश आपके पास पहुँचाने के लिए भेजा है। बताओ क्या बात है? महाराज, चंद्र देवता ने कहा है कि आप जिस तालाब से पानी पीते हैं वो उनका पवित्र तालाब है और वो आपसे बहुत नाराज हैं। मैं कैसे मान लूं तुम सच कह रहे हो? चलिए महाराज, चंद्र देवता अभी भी वहीं पर है, आप देख लीजिए। मिक्कू खरगोश अप्पू महाराज को अपने साथ ले गया और उसने तालाब में चांद की परछाई दिखाई और हाथी से कहा, वो देखिए महाराज, आप झुककर प्रणाम कीजिए वरना वो नाराज हो जाएंगे। अप्पू हाथी ने मिक्कू की बात मानी और झुककर प्रणाम किया और अपनी गलती की माफी मांगी। इस तरह मिक्कू खरगोश की चतुराई और समझदारी से खरगोशों की बस्ती बच गई। एक जंगल में बिंबू नाम का हाथी रहता था। वह जंगल के राजा रुस्तम का बहुत अच्छा दोस्त था। बिंबू की खास सेवा के लिए राजा ने चिंटू नाम के सियार को कहा, चिंटू सियार, तुम मेरे दोस्त बिंबू का अच्छे से ख्याल रखना, उसे रोज खाना देना, उसकी मदद करना। चिंटू रोज बिंबू का खूब ख्याल रखता था। धीरे धीरे वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोनों खुशी खुशी खेलते थे। एक दिन उस जंगल में एक कुत्ता आया। उसकी चिंटू से मुलाकात हुई। अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं खाना ढूंढते ढूंढते यहाँ गलती से पहुँच गया हूँ। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं नहीं, और तो कुछ नहीं, मगर ये जंगल अच्छा है, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? जरूर, लेकिन हमारे राजा से पूछना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए वो बाहर गए हुए हैं। तुम मेरे साथ रह सकते हो। चिंटू उस कुत्ते को जंगल की सैर कराता है, बिंबू से मिलाता है। कुत्ते और बिंबू की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बिंबू कुत्ते के साथ खेलने लगता है, लेकिन चिंटू के साथ अब वो कम खेलता है। अरे ये बिंबू अब मेरे साथ खेलता ही नहीं। जब से ये कुत्ता आया है तब से ये मुझे भूल ही गया है। मुझे कुछ करना होगा। चिंटू कुत्ते को अपने पास बुलाता है और कहता है, माफ करना दोस्त, लेकिन मैंने राजा से पूछा है, उन्होंने तुम्हें यहाँ रहने से मना कर दिया है। चिंटू ने कुत्ते से झूठ कहा, जिसे कुत्ते ने खुशी खुशी मान लिया और अपने जंगल वापस चला गया। चिंटू बिंबू के पास गया और कहने लगा,
लो बिम्बू ये खा लो। मेरा दोस्त कुत्ता कहाँ है, उसे पहले आने दो। कुत्ता अपने जंगल में चला गया है, अब वो नहीं आएगा। बिम्बू ये सुनकर बहुत उदास हुआ। उसने खाना नहीं खाया और वो उदास ही रहा। बहुत समझाने के बाद भी काफी दिनों तक वो भूखा ही रहा। चिंटू अपने दोस्त को ऐसे हालात में नहीं देख पाया। वो कुत्ते को वापस लेने के लिए गया। मुझे माफ करना दोस्त, मैंने तुमसे झूठ कहा था। बिम्बू तुम्हें बहुत याद करता है, तुम बिम्बू के इतने अच्छे दोस्त बन गए थे, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। कुत्ता चिंटू के साथ जंगल वापस आ जाता है। राजा भी अब जंगल आ चुका था। उन्होंने कुत्ते को जंगल में रहने की इजाजत दे दी। सभी लोग प्यार से और खुशी खुशी रहने लगे। लोमड़ी और सात बकरियाँ। एक जंगल में सात बकरियाँ रहती थी। वो सातों हमेशा साथ रहती थी, एक साथ ही घूमती रहती, एक साथ खाना खाती। उन सातों बकरियों की दोस्ती की मिसाल पूरा जंगल देता था। एक दिन एक हाथी ने कहा, अरे बकरियों की टोली कहाँ चली, तुम सबको साथ देकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया हाथी भाई। और जब बकरियों को सोना होता तो पांच बकरियाँ सो जाती और दो पहरा दिया करती थी ताकि कोई शिकारी जानवर उन्हें मार ना सके। एक दिन एक बकरी ने कहा, अरे सहेलियों चलो चलो तुम सो जाओ, मैं पहरा देती हूँ। ठीक है हम लोग सो जाते हैं। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसकी नजर इन बकरियों पर हमेशा रहती थी। अरे वाह कितनी मोटी बकरियां हैं, अगर ये हाथ लग जाएं तो अपनी तो पार्टी बन जाएगी, मजा आ जाएगा। लोमड़ी हिम्मत करके बकरियों पर हमला करती है। सहेलियों आओ मिलकर लोमड़ी पर हमला करें, वरना ये हमें खा जाएगी। लेकिन साथ में बकरियां एक साथ लोमड़ी पर हमला कर देती हैं, इसी कारण वो वहां से भाग जाती है। अरे अरे बचाओ बचाओ भागो भागो यहां से। लोमड़ी बकरियों से पिटकर दुम दबाकर वहां से भाग जाती है, लेकिन वो अभी भी बकरियों को मारने की योजना बनाती रहती है। इन बकरियों ने मुझसे पंगा लिया है, इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। लोमड़ी छुप छुप कर उनका पीछा करती है। एक दिन बकरियों के बीच पेड़ की टहनी के हरे पत्ते खाने को लेकर कहां सुनी हो जाती है। अरे ये क्या कर रही हो, ये पत्ता मेरा है, तुम इसे क्यों छेड़ रही हो, ये मेरा है, ये मैंने तोड़ा है, मुझे हरे पत्ते पसंद है, ये मेरा है। तभी वहाँ बड़ी बकरी आ जाती है और उन्हें समझाती है कि आपस में लड़ना सही बात नहीं। लेकिन वो तीनों बकरियाँ झुंड से अलग होकर चलने लगती हैं। लोमड़ी को तो इसी बात की तलाश थी। कितने दिनों तक साथ रहती, देखा हो गया झगड़ा, आज लूंगी इनसे अपना बदला, एक एक कर इन तीनों को खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, आज तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। चलो इनका शिकार करती हूँ, इनकी इस लड़ाई का फायदा उठाती हूँ। इस बात का फायदा उठाकर लोमड़ी उन पर हमला कर देती है। तीनों बकरियाँ एक दूसरे से नाराज थीं, इसीलिए एक दूसरे की तरफ देखती भी नहीं, और इसी बात का फायदा लोमड़ी उठाती है। एक एक करके वो तीनों बकरियों को खा जाती है, और फिर बाकी बकरियाँ यह सब देखकर हैरान रह जाती हैं और समझ जाती हैं कि हमेशा एकता में ही बल होता है, लड़ झगड़ कर कोई फायदा नहीं, अपना नुकसान हो सकता है। गोपाल नाम का ग्वाला अपने पास हमेशा भैंस पाला करता था। उसके पास कई सालों से एक काले रंग की भैंस थी जो उसे बहुत प्रिय थी। उस भैंस का दूध बेच बेच कर उसके पास अब काफी पैसे जमा हो गए थे। सो एक दिन वो दूसरे गांव से एक सफेद रंग की गाय खरीद कर ले आया। यह देखकर काली भैंस चिढ़ गई। इतनी सुंदर गाय ले आया, अब तो मुझे पूछेगा भी नहीं, इतनी गोरी चिट्टी गाय, हे भगवान कहीं खाना भी मिलेगा कि नहीं। भैंस दिन प्रतिदिन गाय से चिढ़ती रही, जबकि गाय बहुत ही मिलनसार और प्यारी थी। गांव के लोग यह जानकर कि गोपाल के पास गाय है, उसे रोज खाने के लिए कुछ देने के लिए आते और गाय की पूजा तक करते। यह सब देखकर अब भैंस से रहा नहीं गया। एक दिन उसने गाय से कहा, हाँ कहाँ से आई हो, जब से आई हो पूरा गांव तुम्हारा दीवाना हो गया है, और ये गोपाल ये तो मुझे भूल गया। ऐसी बात नहीं है बहन, मैं तो तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, भला और है कौन इस तबेले में, बस तुम और मैं, आओ
हम दोस्ती कर लेते हैं, प्यार से रहते हैं। हाँ, दोस्ती? कैसी दोस्ती? सफेद और काले रंग में कोई दोस्ती नहीं हो सकती, हम बिल्कुल अलग हैं। लोग तुम्हें पूछते हैं और मुझे तो देखते भी नहीं। देखो मेरा रंग कितना काला है। ऐसी बात नहीं है, तुम मन की बहुत अच्छी हो, मैं जानती हूँ। तुम्हारा तन भी बहुत सुंदर है, मुझे भी काला रंग बहुत पसंद है। आओ दोस्ती करो मुझसे। गाय ने मनाने की बहुत कोशिश की, मगर भैंस उससे दोस्ती करने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन एक काले रंग का नाग वहां घुस आया। गाय ने जोर जोर से शोर मचाकर भैंस को कहा, अरे बहन उठो, ध्यान से, तुम्हारे पैरों के पास एक बड़ा नाग है, उठो नींद से जागो। भैंस बड़े मजे से सो रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आँख खुल गई। क्या हुआ, क्या हुआ? इतनी आवाजें सुनकर गोपाल भी बाहर भागा भागा आया। उसने सांप को वहाँ से भगा दिया। यह सब देखकर भैंस का मन गाय के लिए पसीज गया। उसने कहा, अरे सच में तुम गोरी हो और तुम्हारा मन भी उजला है। मैं ही इतनी खराब हूँ कि आज तक तुमसे दोस्ती तक नहीं करना चाहती थी। तुमने तो मेरी जान बचाई है, तुम बहुत प्यारी हो गैया। आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुमने आज एक अच्छी दोस्त का उदाहरण दिया है। मैं भी अपनी दोस्ती निभाऊंगी हमेशा। और इस तरह गाय और भैंस में दोस्ती हो गई और गोपाल खुश हो गया।